नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल एम एस एडवाइज़र में। और दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो डीएलएड को लेकर जो बड़ा जो अपडेट आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डीएलएड की वेबसाइट ये खुली हुई है। और यहाँ पे देखें तो कुछ आपको यहाँ पे देखिए ऊपर जो कुछ बदला सा नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देखें तो ऊपर देखिए यहाँ लिखा गया है, जो कि यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करता हुआ देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो लिखा गया है द एग्जामिनेशन फी फॉर कोर्स 501, कोर्स 502 एंड कोर्स 503 विल बी सबमिटेड ऑनलाइन फ्रॉम 15 फरवरी। फॉर डिटेल्स सी द नोटिफिकेशन बिलो। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 15 तारीख से जो है, 15 फरवरी से जो है, आप सबों का एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे जो है आ जाएगा। उसके बाद आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि 501 और 502 और 503 के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो जो है 15 तारीख को आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि फॉर डिटेल्स सी द नोटिफिकेशन बिलो। तो नीचे देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन क्या है वो भी यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देखें देखिए लिखा गया नोटिफिकेशन फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फी फॉर कोर्स 501, कोर्स 502 एंड कोर्स 503। तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन जो फी सबमिशन का है वो देखिए यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास इस टाइप का देखिए यहाँ पीडीएफ जो है डाउनलोड होकर आ जाएगा। और यहाँ देखिए तो सबसे ऊपर जो लिखा गया है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। और यहाँ पे देखिए अगर ये पब्लिश का डेट देखें तो ये 9 फरवरी को इसे पब्लिश किया गया था ये नोटिफिकेशन को। और यहाँ देखें तो ऊपर जो लिखा गया है द फर्स्ट NIOS पब्लिक एग्जामिनेशन फॉर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DELED इन 3 मॉड्यूल दैट इज 501, 502 एंड 503 विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग अप्रैल मई 2018। तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन का जो डेट है वो अभी फिक्स नहीं हुआ है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि एग्जामिनेशन का डेट अभी फिक्स नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पे एक अनुमानिक जो डेट जो बताया गया कि अप्रैल या मई में जो आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। लेकिन जैसा कि पहले बहुत सारे यहाँ पे बातें हो रही थी कि जैसे कि पहले जो NIOS के द्वारा ये भी बोला गया था कि आपका फरवरी में एग्जाम होगा, 26 फरवरी से आपका एग्जामिनेशन होगा, तो वो जो है यहाँ पे नहीं होगा। और बहुत सारे न्यूज़ के माध्यम से मैंने भी आपको बताया था कि वहाँ पे न्यूज़ में जो बोला गया था कि आपका एग्जामिनेशन जो मार्च में होगा, तो मार्च में एग्जामिनेशन नहीं होगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन जो आपका अप्रैल मई में होगा ये NIOS के द्वारा जो ऑफिशियल ये नोटिस निकाला गया है, तो आप भी इसे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे देखें तो लिखा गया है द शेड्यूल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी फॉर DELED एग्जामिनेशन इज एज अंडर। तो नीचे अगर यहाँ पे देखें तो देखें आप सब्जेक्ट का देखें नाम दिया गया है। तो यहाँ पे जो आप लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, आप लोगों ने बहुत सारे इस तरह क्वेश्चंस भी पूछा है कि आप 504 और 505 को भी यहाँ पे पढ़ना है, दोस्तों यहाँ पे नहीं पढ़ना है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट रूप से देखिए ऊपर यहाँ लिखा गया था कि 501, 502 और 503 तक की जो है आपको पढ़ना है, और इसी का यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन होगा अप्रैल और मई में जो भी एग्जामिनेशन होगा, तो यहाँ पे इसी तीनों सब्जेक्ट का होगा। तो आपका एग्जामिनेशन में जो इसी तीनों सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप 504 को अभी मत पढ़िए, 504 को अभी आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन फी की बात करें तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 250 रुपये पर सब्जेक्ट आपको यहाँ पे करने होंगे, यानी कि आपका जो कल से जो फॉर्म यानी कि 15 फरवरी से जो आपका फॉर्म आएगा तो आपको यहाँ पे जो टोटल जो है 750 रुपये पे करने पड़ेंगे 250 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से। और यहाँ पे डेट देखें तो 15 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक आप बिना लेट फाइन के आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो लेट फाइन के साथ जो है आप 7 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आप लेट फाइन के साथ जो है आप फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। और यहाँ पे लेट फाइन देखें तो आपको 100 रुपये पर सब्जेक्ट जो एक्स्ट्रा यहाँ पे करने होंगे, यानी कि टोटल अगर यहाँ पे देखें तो 350 रुपये आपको पर सब्जेक्ट यहाँ पे करने होंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है 6 तारीख से पहले यानी 6 मार्च से पहले जो है आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा जो है नहीं देना पड़े। तो आज का ये बड़ा अपडेट था कि कल से यानी 15 फरवरी से जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा। और जो भी यहाँ पे लिंक आएगा तो यहाँ पे देखिए जब भी एग्जामिनेशन फॉर्म का जो लिंक आएगा वो जो है DELED की वेबसाइट पे आएगा। और दोस्तों आपको यहाँ पे हम बता दें कि ये फॉर्म जो है बिल्कुल ऑनलाइन मोड फॉर्म आपको भरना है, ऑफलाइन मोड में ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे क्या ये फॉर्म जो स्टडी सेंटर पे भरना होगा, दोस्तों आपको ये फॉर्म जो स्टडी सेंटर पे नहीं भरना है। जैसा कि आपने पहले जो ऑनलाइन DELED के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे जो है DELED की वेबसाइट पे जाना है और वहीं पर आपको ये फॉर्म को भरना है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो DELED की वेबसाइट यहाँ पे खुली हुई है, तो यहाँ पे देखिए यहीं पे कहीं पे जो है आपका यहाँ पे लिंक आएगा DELED फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जब भी ये लिंक आएगा और कैसे यहाँ पे फॉर्म को भरना है तो आपको वीडियो के थ्रू यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो ये लिंक जो है तो कल यानी 15 फरवरी को जो ये लिंक आ जाएगा तो आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपको किस तरह से यहाँ पे जो फॉर्म को भरना है। तो दोस्तों ये था आज का बड़ा अपडेट जो है DELED को लेके। आगे जो भी अपडेट आता है DELED को लेके या फिर ब्रिज कोर्स को लेके या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब को लेके, तो आपको इसी तरह से यहाँ पे वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो के साथ बने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक कर दें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल आएगा, उसे भी क्लिक कर दें, तो उससे हमारा आने वाला वीडियो जो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहेगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम ग्रुप पे जोर से शेयर भी करें, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।